इस फूल में तीन पंखुड़ियां है, हर पंखुड़ी को तोड़ते ही तुम जो चाहो मांग लेना और कहना इतना कर ले अभी कबूल। जादू वाले प्यारे फूल अपना वादा कभी न भूल। अरे परी तो गायब हो गए। नीलू उस फूल को लेके दौड़ते हुए घर आ गए। उसने देखा उसकी गुड़िया की झूला टूटा हुआ है और एक बड़ी कार भी चल रही है। जल्दी से उसने फूल की पहली पंखुड़ी तोड़ी और कहा दुनिया भर के खेल खिलौने इतना कर ले अभी कबूल। जादू वाले प्यारे फूल अपना वादा कभी ना भूल। देखते ही देखते उसके कमरे में तो खिलौने ही खिलौने भर गए। यह तक वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। जल्दी से उसने फूल की दूसरी पंखुड़ी तोड़ी और कहा वापस कर ले सबके खिलौने इतना कर ले अभी कबूल। जादू वाले प्यारे फूल अपना वादा कभी ना भूल। सब खिलौने जब वापस चले गए तभी नीलू को चैन पड़ा। अब तो बस फूल पर एक ही पंखुड़ी बची थी। यह बात को सोचते सोचते नीलू फिर से पार्क की ओर चल पड़ी। उसने देखा राजू बैसाखी होके सहारे चल रहा है। उसको बचपन में पोलियो हो गया था। बड़ा ध्यान लगाकर नीलू ने फूल की तीसरी पंखुड़ी तोड़ी और कहा राजू हो जाए बिल्कुल ठीक इतना कर ले अभी कबूल। जादू वाले प्यारे फूल अपना वादा कभी ना भूल। अरे राजू तो एकदम ठीक हो गया। नीलू तो पूरा खुशी से झूम पड़ी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जो जरूरतमंद हो उसकी मदद करना चाहिए। मदद करना अच्छी बात होती है। हम सबको जादू ये चीज मिल जाए तो फिर हम उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और हमें करना भी नहीं चाहिए। धन्यवाद।